अब हमारे यहाँ एक बड़ा ये सिस्टम भी हो गया कि जैसे एक दौर आता है ना कि जी अब यही करना है, अब MBA के दौर आए तो MBA ही करना है, अब जी अगर इंजीनियरिंग का दौर है तो इंजीनियरिंग ही करनी है। तो हम लोग, क्योंकि हमने अभी एक और शो भी किया था, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा अब हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की 14 ईयर्स में एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें अभी भी आप पाकिस्तान में देखें तो हर पेरेंट का ये ख्वाब होता है कि अपने बच्चे को जो वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन वर्ल्ड है या जो कैरियर वर्ल्ड है वो ख़त्म नहीं होता। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ से मैं ताल्लुक़ करता हूँ, मतलब कि जो कॉमर्स की जो फील्ड है या जो प्रोफेशनल्स की जो फील्ड है, तो अगर आप देखें तो आपके पास बहुत प्रोग्राम्स हैं जिनकी इस वक्त मार्केट में नीड भी है और उसकी एप्लीकेशन भी है। सही। लेकिन मैं फिर दोबारा से हाईलाइट करूंगा आपके मेन क्वेश्चन को। जी, वो बिलोंग करता है पाकिस्तान के लोकल एजुकेशन से। सही। आपके प्रोग्राम के तवसुस से जितनी भी कंसर्न बॉडीज हैं उन तक ये आवाज़ मैं अपनी पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करें। बेशक, बिल्कुल, रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिवाइवल किस हवाले से? आप एक तो सिलेबस है, देखिए ये कोचिंग सेंटर्स क्यों आबाद हैं, कि कोचिंग सेंटर्स आबाद ही इसलिए कि आप एक रूटीन के ऊपर पेपर लेते हुए चले आ रहे हैं। बेशक। और स्टूडेंट जो है उसे उसी ये पता है कि साल भर जो है वो इजी माहौल में रहो, दो महीने में तैयारी करो, उससे और प्रॉब्लम भी जनरेट हो रही है। अगर आप देखें तो जो इन्वायरमेंट हो चुका है इस वक्त इंस्टीट्यूट्स का, आप नहीं कह सकती कि वो एक एजुकेशनल तो कहीं से नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब जो जाचा चंद बच्चों की ब्याजों को मदरिस ने तो नजर आई वहीदा सायरा और हीमा की तस्वीर। सही, ये रुझान बढ़ता जा रहा है जी। इसी एक बहुत ही मजे की बात पे हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक।